हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज जो है आपको इस वीडियो में इस बारे में बताने जा रहा हूँ। IIM संबलपुर इस इंस्टीट्यूट के बारे में कि इसमें क्या क्या करने पड़ते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी होती है, क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, अप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन के लिए किस तरीके से कहाँ से क्या क्या करने पड़ेंगे। किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करना है, क्या टाइप करना है, वहाँ पर आप देख रहे थे IIM संबलपुर 2021, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो आप इस तरीके से सारी चीज़ें करनी होती है, तो वहाँ से आप सारी चीज़ें करके और टाइप करना है अपने ब्राउज़र में। फिर उसके बाद आपको 2021 IAS पर टाइप करना होता है। IAS पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको इस इंस्टीट्यूट के रिलेटेड सारे का सारा अपडेट नोटिफिकेशन मिलती है, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है। जैसे सर्च करते आप न्यू टैब में ओपन होता है, यहाँ पर डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पर। ओके, तो ये फर्स्ट वाला लिंक पे एक्जैक्टली आपको क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखते हैं एडमिशन 2021 एप्लीकेशन फॉर्म का बताया गया, डेट्स क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी किस तरीके से सारी चीज़ें, पैटर्न्स और सिलेबस के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया। तो यहाँ पर आप जैसे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जस्ट द वर्ल्ड यंगेस्ट कैम इन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ 2015 में आया हुआ था ये। ओके, मतलब उस समय स्टार्ट हुआ था फिर ये इंस्टीट्यूट। फिर सबसे पहले आप इस फॉर्म को जरूर फिल करना है जो सामने आपके फॉर्म में। तो आपको इस फॉर्म में क्या फिल करना है, आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ यहाँ पर फिल करना होता है। स्टेट कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, आपकी सिटी क्या है, सिटी से लेकर के कौन से कोर्स में आपको इंटरेस्ट है, अपना कोर्स सेलेक्ट करके आपकी हाइस्ट क्वालिफिकेशन कितनी है, फिर आपको गेटवे काउंसलर पर क्लिक करने होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आता रहेंगे, तो आप गेटवे काउंसलर पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो बोला आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट 2 ईयर्स का PGPM फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट इस टंटा अमाउंट टू बी MBA के लिए बोला गया है। किसी भी डिग्री से यहाँ पर आप ग्रेजुएशन डिग्री से कर रहे हैं या फिर हैं तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कैन टेक एडमिशन टू PGPM के लिए बोला गया कोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ यहाँ पर 1900 रुपीज़ यहाँ पर बताया गया आपको सितंबर में। तो सारी चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म के डेट्स यहाँ पर बताया गया, इवेंट और डेट्स का नीचे अप्लाई करने के लिए अवेलेबल कभी होगा, एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अनाउंस जल्दी की जाएगी, लास्ट डेट का भी एप्लीकेशन फॉर्म का अनाउंस करने के लिए, शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू के लिए बताया गया और वेट इंटरव्यू के लिए बताया गया, आपको इसलिए यहाँ से कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का बताया गया तो आपको एक गुड न्यूज़ है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। गुड न्यूज़ ये है कि देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लोर में एडमिशन स्टार्ट है, तो यहाँ से आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो उस यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें भी आपको एडमिशन लेने होते हैं। UPS यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जी डी गंगा यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, SRMU, SSIU। यहाँ पर आप देखे थे कि एप्लीकेशन फॉर्म बोला गया है कि कैन बी सप्लीमेंटेड ऑनलाइन मोड या फिर ऑफलाइन मोड से भी आप कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। वहाँ पर ओपन होके आपको फिल करना होता है कि एक चीज़ें जिस जो भी सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर, अप्रेज द PhD एडमिशन, डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, टाइप द रिक्वायरमेंट, पर्सनल इंटरव्यू, जितने भी सारी चीज़ें या फिर एकेडमिक डिटेल्स, अटैच द वाउचर, सारी चीज़ें, एप्लीकेशन फॉर्म के फीस भी भरने पड़ते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, जितने भी रिक्वायरमेंट है ये चाहिए रहता है एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने के लिए। ठीक है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म के फीस भी लगते हैं, तो यहाँ पर 500 रुपीज़ जैसे कि आप बता दिया गया, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पर दे दी गई है, जिस वजह से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। फिर एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए मैनेजमेंट है, बैचलर डिग्री आपको कंप्लीट होना चाहिए, 50% मार्क्स भी यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, फिर वैसे आपको सेकेंड का भी चेक करना है, बैचलर्स मास्टर डिग्री यहाँ पर बोला गया चाहिए कंप्लीट करने के लिए, तो कम से कम आपको जो है 60% मार्क्स तो यहाँ पर रहना चाहिए अप्लाई करने का, जिस वजह से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मास्टर डिग्री होल्डर कैन अप्लाई फॉर मेंबरशिप इन कोर्स, मिनिमम 55% मार्क्स यहाँ पर चाहिए रहता है अप्लाई करने के लिए फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। फिर एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर आपको बताई गई है, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर आप देख सकते हैं, न्यू यूज़र क्लिक ऑन ओके, रजिस्टर योर सेल्फ विथ वैलिड ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर, सिलेक्शन प्रोसेसर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फेज के लिए नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है, कैट का बोला कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, 35% वेटेज यहाँ पर, शॉर्टलिस्टिंग के लिए बताया गया आपको इस तरीके सारी चीज़ चेक कर सकते हैं, प्लेसमेंट आपको बताया गया, प्लेसमेंट यहाँ पर भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी खासी है और 100% प्लेसमेंट रिकॉर्डेड यहाँ पर आप देखे थे। और PGPM के लिए यहाँ पर आप बताया गया आपको सारी चीज़ें, ड्यूरेशन बताया गया, मोड ऑफ एग्जाम फुल टाइम है ओके, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन डिग्री 50% मार्क्स है, कैट पर्सनल अपेयरेंस देख सकते हैं, एडमिशन क्रिटेरिया कैट परसेंटेज 95,
हाईएस्ट इंटरनेशनल से सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। पीएचडी के लिए भी इसी तरीके से आपको बताया गया, 4 इयर्स का होता है, स्पेशलाइजेशन 4 इयर्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और 55% मार्क्स स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आपको बताया गया है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। कुछ भी डाउट होता है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।